तो गाइस अगर बात करें कॉमिक बुक या फिर बात करें हम एमसीयू की मूवीज की, तो फैंस जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है आयरन मैन और उसके मार्क को, यानी कि उसके सूट को। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के बारे में, उसके कुछ 10 आर्मर और उसके बारे में कुछ बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनियर प्ले बॉय और काफी इंटेलिजेंट है, जो कि दुनिया या दुनिया के बाहर की किसी भी मुसीबतों के लिए नए सूट पहले से ही बना के रखता है। और उनकी लाजवाब एक्टिंग की वजह से उनके अलावा किसी और को टोनी स्टार्क को इमेजिन करना काफी मुश्किल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। मार्क वन आर्मर। ये आर्मर बाकी सभी आर्मर के आगे एक कचड़ा है, लेकिन ये वही आर्मर है जिसने हमारे टोनी स्टार्क को दुनिया के बचाने का एक आइडिया दिया। और इसी टैंक जैसे आर्मर की वजह से टोनी स्टार्क बच के वापस आ पाया, जिसने विलेन के मुंह पे एक जबरदस्त छाप छोड़ दी। और इसका खतरनाक हथियार एक फ्लेम थ्रोअर था, और इसीलिए इस लिस्ट का हमारे लिस्ट में शुरुआत में होना बनता था। मार्क थ्री आर्मर। और ये वही आर्मर है जिसने आयरन मैन के क्लासिक लुक को प्रिमिलेंट किया। और टोनी स्टार्क को ये आर्मर बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्क टू आर्मर में फ्रीजिंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और ये पहला आर्मर है जिसमें आयरन मैन अपने रेड और येलो आइकॉनिक पेंट में दिखा। और ये आर्मर कुछ कॉमिक से इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि कॉमिक में टोनी स्टार्क का ऐसे ही आर्मर हुआ करता था। चलिए आगे नजर डालते हैं। मार्क फाइव। तो अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सिल्वर और रेड काफी अच्छा कलर है, और ये कॉम्बिनेशन दिखा हमें 2K मार्क 5 आर्मर में। और ये आर्मर पिछले कुछ आर्मर से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसे सूटकेस में कैरी किया जा सकता है। और इसकी इसी खासियत की वजह से टोनी स्टार्क मोनाको ब्रांड पिक्स में रिफ्लेक्स से बिना किसी तैयारी के बहुत आराम से लड़ पाया। और ये आर्मर इंस्पायर्ड था कॉमिक के सिल्वर सेंचुरियन आर्मर से। वॉर मशीन। और ये आर्मर टोनी के दोस्त जेम्स ने उसके लैब से उड़ाया था जब टोनी नशे में था, और ये बेसिकली मार्क टू आर्मर था, और इसको हथियारों से लोड किया जस्टिन हैमर ने और इसे बनाया वॉर मशीन। इस आर्मर की फायरिंग पावर बहुत जबरदस्त है, पर इस आर्मर ने अपना रंग बदल लिया आयरन मैन 3 में, और तब ये कहलाया आयरन पेट्रियट। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन और सिविल वॉर में ये वापस से वॉर मशीन बना और एवेंजर्स का हिस्सा भी बना, लेकिन इसमें और आयरन मैन में बहुत बेसिक डिफरेंस है। मार्क 46 आर्मर। और आयरन मैन का ये आर्मर हमें दिखा कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में। ये आर्मर बहुत पावरफुल है, लेकिन सिविल वॉर में इसकी वजह से टोनी की आंखें काली हो गईं और उसे कुछ कट्स भी आ गए। इसी आर्मर में फ्राइडे ने कैप्टन अमेरिका के मूव्स रिकॉर्ड किए, जिसके बाद स्टीव रॉजर्स काफी पीटा गया। और साथ ही साथ इसी आर्मर की बीम ने विंटर सोल्जर के बायोनिक आर्म को तबाह कर दिया, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ने इसे उठाकर पटक दिया। ये आर्मर कॉमिक के ब्लीडिंग एज आर्मर से इंस्पायर्ड है, जिसमें रिट्रैक्टेबल हेलमेट है। मार्क 42 आर्मर। तो जगह जगह आर्मर ले जाना और सूट अप का वेट करना, और इसी के लिए टोनी ने बनाया मार्क 42 आर्मर। और इस आर्मर को यूज करने के लिए टोनी स्टार्क ने अपनी बॉडी में कुछ नैनोटेक इंसर्ट किए और एक गाना लगा के सूट अप किया। और क्योंकि ये आर्मर डेवलपमेंट फेज में था और इसीलिए ये लड़ाई के लिए रेडी नहीं था, पर तब भी टोनी स्टार्क ने इसके छोटे से बच्चे के बैकयार्ड में रख के चार्ज किया और ऑल्ड्रिच किलियन की बैंड बजाई। यह आर्मर उन 35 नए आर्मर में से एक जो टोनी स्टार्क ने न्यूयॉर्क के बैटल के बाद शॉक में बनाए, और ये इंस्पायर्ड था कॉमिक में दिखने वाले एक्सट्रीमस आर्मर से। हल्क बस्टर। मार्क 44। मार्क 44 यानी हल्क बस्टर को टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर बनाया था, ताकि अगर हल्क खुद पर से कंट्रोल खो दे तो ये आर्मर उसे संभाल ले। और ये आर्मर हमें दिखा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जिसे वेरोनिका के एक्टिवेशन के बाद बुलाया गया ताकि हल्क को साउथ अफ्रीका में रोका जा सके। ये आर्मर मार्क 43 आर्मर के ऊपर फिट होता है, और साथ ही साथ वेरोनिका इसके आसपास रहती है ताकि अगर हल्क इसके हाथ पाँव उखाड़ दे तो तुरंत वो उसके रिप्लेसमेंट पार्ट दे सके। ये आर्मर कॉमिक्स के हल्क बस्टर आर्मर से बिल्कुल आइडेंटिकल है। मार्क 7 आर्मर। मार्क 7 एक फुल्ली लोडेड रैपिड डेवलपमेंट सूट है, जिसे आयरन मैन ने यूज किया था न्यूयॉर्क के बैटल में। और ये सूट हमें दिखा 2012 की एवेंजर्स मूवी में, जहां टोनी स्टार्क ने जार्विस को फोर्स किया इसे रेडी करने के लिए, जबकि ये सूट अंडर कंस्ट्रक्शन था। पर तब भी टोनी स्टार्क ने ये सूट चित्तौरी आर्मर के खिलाफ यूज किया, क्योंकि मार्क 6 आर्मर शील्ड बेस में डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इस सूट ने बहुत मदद की लोकी से लड़ने, न्यूक्लियर मिसाइल डिफेक्ट करने और पेपर को मिस कॉल मारने में मदद की। अपने डेवलपमेंट फेज में होते हुए भी इस सूट ने अपना जबरदस्त एक्शन दिखाया, जिसका मतलब डेवलपमेंट के बाद ये सूट और बेस्ट कर सकता था। साथ ही साथ ये पहला सूट है
जो कि ब्रेसलेट के कोड यूज करके उसकी बॉडी पे फिट हो गया और यही सूट आगे चल के मार्क 42 के इंस्पिरेशन बना मार्क 45 आर्मर। और ये वही आर्मर है जिसे टोनी स्टार्क ने बनाया और इसमें फ्राइडे फीचर हुई और इसे सुकोविया के बैटल से पहले इंटीग्रेट किया गया था। और ये आर्मर हमें दिखा एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां हमें आयरन लीजेंड और हल्क बस्टर आर्मर भी दिखे। ये पहला आर्मर है जहां हेक्सागोनल चेस्ट रिपल्सर ट्रांसमीटर है और ये सूट अभी तक का सबसे कॉम्पैक्ट है और इसने 200 टन के शील्ड ट्रांसमीटर था। और इस सूट के बीम में अल्ट्रॉन के वाइब्रेनियम को पिघलाने की ताकत है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सारे सूट्स को इंट्रोड्यूस करना हमारी लिस्ट में पॉसिबल नहीं होगा और ये कुछ गिने चुने सूट्स हैं जो कि हमें मूवी में दिखाए गए। ऐसे और भी ज़्यादा पावरफुल सूट्स हैं जो कि कॉमिक्स से हैं। मॉडल 51 एंडोसीम आर्मर, आयरन डिस्ट्रॉयर आर्मर, थॉर बस्टर आर्मर, मार्क 47 आर्मर, स्टार बूस्ट आर्मर, ब्लैक एंड गोल्ड आर्मर और मार्क 38 आर्मर। और इसके बाद लिस्ट में आता है इन्फिनिटी वॉर वाला आर्मर यानी कि मार्क 50 आर्मर और इसी आर्मर ने थानोस को ब्लीड कर दिया था। और इसकी खास बात ये है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है और रिपल्सर पे डबल टैप करने पे ये पूरे बॉडी को कवर अप कर लेता है और यही नैनो टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन के सूट में भी डाली। और मार्क 85 आर्मर जो कि हमें दिखेगा एवेंजर्स एंड गेम में, जो कि बाकी आर्मर में से सबसे अच्छा होगा। और अगर अच्छा नहीं होगा तो टोनी स्टार्क मार्क 50 आर्मर में ही कुछ चेंजेस कर देगा और इसको नाम दे देगा मार्क 85 आर्मर। तो वेल, आपको हमारी ये लिस्ट कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।